जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। और मैं आपका साथी मोतीलाल, आपके साथ जो है हमारा जीके सीरीज चल रहा है और इसमें लगभग 4 वीडियोस हमारे आ चुके हैं और ये 5वां वीडियो है। इसके साथ ही हमारे चैनल पर आपको साइंस के, मैथ्स के और बाकी जो भी आपके पेपर से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लें, साथ में जो पिछली वीडियोस नहीं देखी आपने उनको भी जरूर देख लें। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। ये वीडियो जो है हिस्ट्री ओरिएंटेड रहने वाला है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आने वाले हैं। आपका जो है सिलेबस में हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रूस में यहाँ इस क्रांति के कारण ही एक महत्वपूर्ण आपका कह सकते हैं बदलाव आया था। तो देखिएगा, अगर हम बात करेंगे रूसी क्रांति की शुरुआत की, तो ये आपका जो है रूस में जो है दो बार हुई थी, दो बार क्रांति हुई थी और हुई कब थी, वर्ष 1917 में, ठीक है। तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है, वर्ष 1917 में जो है आपकी रूस में क्रांति होती है। कब? एक होती है मार्च में, मार्च 1917 में, और दूसरी होती है आपकी अक्टूबर 1917 में, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये क्रांति हुई क्यों थी? यहाँ पे जो है उस समय जार का शासन हुआ करता था, एक जो वहां का राजा या इसको शासक कह सकते हैं हम, इसको बोलते हैं जार। जार के शासन के खिलाफ जो है ये आपका क्रांति हुई थी। इसी के बाद आपका रूस में जो है एक महत्वपूर्ण बदलाव आया और इसको गणराज्य बनाया गया था। तो देखिए, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ये भी आपका रूस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो आपके पास ऑप्शन है 1920, 1921, 1922 और 1923। अगर हम बात करेंगे कि रूस में जो रिपब्लिक बना ये, ठीक है, ये कब बना, तो ये रूस रिपब्लिक बनता आपका कब जा करके, दिसंबर 1922 में, ठीक है। रूस रिपब्लिक बना आपका दिसंबर 1922 में। सोवियत संघ था उस समय, यूएसएसआर बोलते थे इसको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, यूएसएसआर था। अभी वर्तमान समय में तो इसे हम रूस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सोशलिस्ट रिपब्लिक बना वो कब बना, दिसंबर 1922 में। और अगर हम बात करेंगे कि यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, तो ये होता है आपका 1991 में। तो इसका भी ध्यान रखना आपने, किसका विघटन कब हुआ, 1991 में, ठीक है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चीन की क्रांति के नायक कौन थे। तो देखिए, चीन की क्रांति, सबसे पहले तो आपके पास आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चीन की क्रांति हुई कब थी। तो चीन की क्रांति की अगर हम बात करेंगे, तो चीन की क्रांति कब हुई भाई, 1911 में, ठीक है। चीन की क्रांति कब हुई, 1911 में। और अगर हम बात करेंगे कि चीन की क्रांति के नायक कौन थे, तो चीन की क्रांति के नायक थे आपके, पहली चीन की क्रांति के नायक थे डॉक्टर सन यात-सेन। इन्हीं को जो है चीन का, चीनी गणराज्य का पितामह भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का कि चीनी गणराज्य का पितामह किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका डॉक्टर सन यात-सेन को। और इन्होंने इस क्रांति का जो है नेतृत्व किया था, कौन सी क्रांति का, चीनी क्रांति का, जो 1911 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। चीन मतलब आपका एक गणराज्य का बना, तो इसमें एक पहली क्रांति हुई थी आपकी 1911 में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। अगर हम बात करेंगे कि ये जनवादी गणराज्य का बना, तो ये बनता है आपका 1949 में, ठीक है। अब इस यहाँ पे भी एक क्रांति हुई थी जिसका नेतृत्व किया था आपका माओ त्से तुंग ने, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आपने, चीनी, ये जो 1949 में चीनी क्रांति हुई थी, इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, माओ त्से तुंग ने किया था। और चीनी गणराज्य की स्थापना भी कब हुई, वर्ष 1949 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है प्रशा, जर्मनी, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप के मरीज की बात करेंगे तो किसे कहा जाएगा, तुर्की को कहा जाएगा। और तुर्की का नाम जो नया नाम है वो क्या है, टर्की या तुर्की,
तुर्की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया तुर्की की कैपिटल बताओ, तो क्या है? अंकारा, ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? अंकारा है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। और इसको क्या बोला जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है भाई। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार ये जो आपके मतलब स्लोगन्स हैं, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। लगभग दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो ये स्लोगन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए आपके पास ऑप्शन है हिटलर, मसोलनी, लुई सोलवे या लेनिन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा देने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे आपके? एडोल्फ हिटलर, ठीक है, जर्मनी का शासक, या इसको आप एक तानाशाह भी कह सकते हैं, ठीक है। हिटलर, इन्होंने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपना के समय अपना 1945 में खुद को गोली मार दी थी, आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि हिटलर ने खुद को गोली मारी थी, 1945 में मारी थी, ठीक है। और एक राष्ट्र एक नेता की बात भी किसने करी है? हिटलर ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिकुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था, ठीक है। त्रिकुट की बात करेंगे तो त्रिकुट में जो मतलब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है, पहला प्रथम विश्व युद्ध होता है, या आपका द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ठीक है। तो इनमें जो ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में बात करी गई थी, और इसमें अगर हम बात करेंगे किस चीज की, त्रिकुट की बात करेंगे, तो इटली भी था इसमें, इटली भी शामिल था, ऑस्ट्रिया भी शामिल था, जर्मनी भी शामिल था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ये सभी देश जो है त्रिकुट में शामिल थे, ठीक है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए आठवां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? देखिए मित्र राष्ट्रों की बात करेंगे तो अगर एक देश की बात करनी है तो ये आपका इंग्लैंड है, लेकिन ये जो इंग्लैंड और जापान जो है पहले विश्व युद्ध में एक साथ ही थे, अमेरिका भी इनके साथ ही जुड़ा था, लेकिन एक देश की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका इंग्लैंड रहेगा। सभी की बात करनी है, तीनों ये जो तीनों देश थे वो आपके मित्र राष्ट्रों के साथ ही जुड़े थे, ठीक है, लेकिन एक की बात करेंगे तो वो इंग्लैंड रहेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। और सभी की बात करनी है, अगर आपसे सभी पूछता है कि इनमें से कौन सा देश या कौन सा देश जो है इसमें था, वो सभी आएंगे क्योंकि अमेरिका भी बाद में जुड़ गया था, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्रांतियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा आप, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। देखिए अगर हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति की, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? कब हुई? आपके पास चार ऑप्शन पड़े हुए हैं, आप इनमें से अपना आंसर देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है 1776, 1779, 1789 या 1780, और यहाँ पे जो है आपका आंसर रहेगा, ठीक है, आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 1789 जो है आंसर रहने वाला है, किस चीज का? फ्रांस की क्रांति का। जो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1789 में हुई थी, इसका ध्यान रखेंगे। और विश्व में सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की बात शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी? इसी क्रांति से शुरू हुई थी, 1799 से। और इसी क्रांति के बाद इंग्लैंड अमेरिका ने क्या किया था? अपने संविधान में जो है इस चीज को ऐड किया था, कब? 1791 में, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अमेरिका ने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मौलिक अधिकारों को शामिल किया था, किस क्रांति के बाद? फ्रांसी क्रांति के बाद, ध्यान रखेंगे इस बात का, कब? 1791 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। संगीत की बात करेंगे, अगर यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे संगीत की, तो संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद है हमारा? संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। और ऋग्वेद की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद आपका यज्ञों से रिलेटेड जो मंत्र उच्चारण वगैरह थे वो उनसे रिलेटेड है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद का जो संबंध है वो किससे है? जादू टोने वगैरह से जो आपका संबंध माना जाता है वो किसका माना जाता है? अथर्ववेद का माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण
प्राप्त हुआ था, मतलब महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी या वो जो निर्वाण प्राप्त हुआ था उनको, वो कहाँ पे हुआ था? देखिए आपके पास ऑप्शन है सारनाथ, बौद्ध गया, वैशाली या कुशीनगर। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे महापरिनिर्वाण की, तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बौद्ध गया में क्या हुआ था उनको? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? ज्ञान की प्राप्ति की बात करेंगे तो कहाँ पे हुई भाई? बौद्ध गया में हुई। और उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ वो कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए ये भी भगवान बुद्ध से ही रिलेटेड, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके पास ऑप्शन है बौद्ध गया, कुशीनगर, श्रीवास्तव या सारनाथ। तो देखिए ये पहले दो ऑप्शन हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, और अगर हम बात करेंगे पहले उपदेश की, तो यह कहाँ पे दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था, और इसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। जो इनका पहला उपदेश था उसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था आपका 563 BC में। और अगर हम इनकी महापरिनिर्वाण की बात करेंगे, हुआ कब था महापरिनिर्वाण, तो वो हुआ था आपका 483 BC में। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, वो देखिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, लुम्बिनी है, श्रीवस्ती है, कुशीनगर है, सारनाथ है। तो कुशीनगर भी डिस्कस कर लिया हमने, सारनाथ भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आपके पास जो ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जन्म का, वो कब कहाँ कौन सा बच रहा है? लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी बच रहा है, और मैंने आपको बता दिया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 BC में हुआ है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए सांची रांची का स्तूप किसने बनवाया था? रांची का स्तूप, देखिए हमारे पास जो यहाँ पे 14th नंबर का क्वेश्चन है, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे, कनिष्क है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त है। तो अगर बात करेंगे इस स्तूप की, तो ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका अशोक ने बनवाया था। अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था इन्होंने 261 BC के बाद, जब इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद इन्होंने 255 BC में क्या किया था, थर्ड जो बौद्ध संगति थी हमारी उसका भी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन करवाई थी। ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाया था थर्ड बौद्ध संगति को भी अशोक ने 255 BC में वैशाली में। तो रांची स्तूप की बात करेंगे तो वो भी किसने बनवाया? वो भी अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, या पुष्यमित्र, या चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप इसको कमेंट में जरूर बताएं कि जो आपका भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।